सॉरी सॉरी द मिशन इज थ्रीफोल्ड Conditioners, plastic bottles, packing boxes, cars, cell phones, paper cups will contribute to growing waste mountains, which will either be incinerated or sent to landfill or just decay in the open, thus destroying every hope of ours to get clean air. Full of enthusiasm. Can we have the national anthem starting now? And I'll be wanting and urging everybody to kindly stand up for the national anthem. Policy implementation at the earliest. Some of the advantages of such नंबर 171 सुरेश यादव The names, please आप स्टेज पे आ जाइए सनील खान 289 नंबर 197 आई डोंट हैव द नेम हियर बट 197 कैन कम अप ऑन स्टेज नंबर 191 कुशल इसका नाम लिया आगे आ जाए आ जाओ आप लोग 195 भूमेश 120 अगेन वी डोंट हैव द नेम हियर राजेश 146 144 मसर प्रदीप 312 मिस्टर सलीम खान 289 उनको भी दो सर मेडल दे दो मेडल फ्लैग नहीं चाहिए अरे फ्लैग हो गया सर फ्लैग हो गया फ्लैग सर अब फ्लैग नहीं मतलब नहीं अब फ्लैग पहले ही होता है आई थिंक पूरे विश्व भर में काफ़ी सारे अवेयरनेस रन्स हो रहे हैं एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर और आज वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि ऑलमोस्ट 65% रॉ मटेरियल्स रिसाइकिल हो सकता है तो हमें करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने सुना कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और एज प्लानिटेरियंस जो हम इस प्लानट में रहते हैं ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्लानट के लिए कुछ करना चाहिए एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर देखो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए ऑफकोर्स होने चाहिए बिकॉज क्या है बहुत बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि यू नो क्या होता है हम जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हम सेव द एनर्जी की बात करते हैं यू नो रिसाइकिल की बात करते हैं तो जो जो
जो नॉर्मल इंसान होता है उसे लगता है कि ना ये बड़े लोगों की बात है, ये सिर्फ बड़े लोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये हर आदमी को करना चाहिए, हर इंसान को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। बिकॉज जब एकदम छोटे लेवल से शुरू होके वो बड़े लेवल तक पहुंचता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड डू व्हाटएवर वी कैन टू सेव द एनर्जी और सेव द प्लैनेट इन व्हाटएवर वे ऑफ फॉर्म। सो रिसाइकलिंग बिकम्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग बिकम्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट। और हम जितना करें, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना करें उतना कम है। एंड हम देखते हैं कि सडनली सर्दी बहुत बढ़ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, यू नो, जहाँ बारिश नहीं पड़नी चाहिए वहाँ पड़ रही है। दीज आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ दैट। एंड जैसे यू नो बड़े विद्वानों ने कहा है कि यू नो आप पावर कर सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप क्लाइमेट को चैलेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू एंड वी शुड डू। सब जैसे कि मुंबई में वी हैव सीन द लास्ट टाइम समंदर से काफ़ी कचरा जो बाहर आया। ऑफकोर्स मेरे एक मित्र हैं अफरोज शाह जी, मैं उनके साथ जाके काफ़ी क्लीनिंग कर चुका हूँ। वो तो लगे रहते हैं, मैं तो चार पांच बार ही गया हूँ और मैं थक जाता हूँ। वो महीनों से सालों से लगे हुए हैं और उन्होंने इतना कचरा निकाला है एंड ऐसे लगता है कि यू नो समुंदर कचरे से भरा हुआ है। इतना कचरा आप डेली निकाल रहे हो, हर सैटरडे संडे वो निकालते हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इतने सालों का जो हमने किया है, बट येस इट्स नेवर टू लेट। यू नो हमेशा लगता है कि मैं अकेला क्या कर लूँगा या यू नो लोग अकेले क्या कर लेंगे, बट यू नो बूंद बूंद भर के ही एक बाल्टी और एक समुंदर बनता है। सो आई फील दैट जितना देखिए गलती तो हम सब की है ना, आप यू नो वो जो व्हेन यू पॉइंट वन फिंगर थ्री फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट यू, सो वी ऑल हम सबको करना पड़ेगा। यू नो आप किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स अ थॉट, इट्स अ माइंड सेट। वो माइंड सेट चेंज करने की देरी है और जैसे ही वो माइंड सेट चेंज हो जाएगा आई थिंक ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। सर डू यू नॉट थिंक इन सोसाइटी ड्राई और जो वेस्ट होता है अलग करना चाहिए, मैंडेटरी बीएमसी के द्वारा कर देना चाहिए, क्योंकि आज भी सोसाइटी में ये जो कचरे हैं वो अलग अलग। देखिए आई फील बीएमसी हो या कोई भी यू नो एक इंस्टीट्यूट हो, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंडेटरी हो गई हैं। यू नो डस्टबिन्स स्पेशली बैंड्रा वार्ड में मैं देखता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इवेंचुअली ये है कि इंसान और व्यक्ति का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बिकॉज यू नो मैं यू नो हमें लगता है कि कौन देख रहा है, शीशा खोला कचरा फेंक दिया गाड़ी से, यू नो खाना खाया कुछ फेंक दिया। तो ये एक माइंडसेट है जो हमें चेंज करना है कि भाई मतलब आप अपने घर को तो गंदा ऐसे करते नहीं हो कि खा के कहीं भी कुछ भी फेंक दिया, आप डस्टबिन ढूंढते हो। सो ये शहर, ये प्लानेट, ये भी आपका घर है। और यू नो हम सबकी प्रॉब्लम्स इतनी हैं, यू नो लोगों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे यू नो पैसा कमाना है, घर को बचाना है, तो आपको लगता है कि यार अब साफ सफाई की बातें तो मेरे से मत करो, बट वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जिसके लिए आप पैसा कमा रहे हो, अगर वो प्लानेट ही नहीं बचेगा तो आप क्या कर लोगे। सो इट्स अ माइंड सेट। आई थिंक धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। सो ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, इट्स नॉट ईजी। इतने सालों से, जनरेशन से जो एक चला आ रहा है उसको टाइम लगता है, बट आई थिंक एवरी वन इज़ मेकिंग एन एफर्ट एंड द यंगस्टर्स आर मोर यू नो रिस्पॉन्सिव एंड यू नो मोर रिस्पॉन्सिबल आई फील। ओके सर, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आयोजित किया कि वोटिंग करने के लिए सिटीजन को अवेयरनेस किया जाए, तो देखो आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो मैं आई विल टॉक ओनली ए पॉलिटिकल, बट आई फील मैंने एक फिल्म करी थी यंगिस्तान और उसमें भी क्लियरली था कि यू नो वोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और चाहे आप नन ऑफ द अबव के लिए वोट करो, बट वोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप कंप्लेन करते हैं कि ये ठीक नहीं है और ये सही है और ये सही नहीं है, तो वोटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप वोट ही नहीं कर रहे हैं तो आप कौन से हक से बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। सो आई फील वोटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स यू अवेयर ऑफ योर राइट्स, इट ऑल्सो मेक्स यू अवेयर ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू डोंट वॉन्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फील वोटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। आप अपना हक किसी और को दे रहे हो कि मेरे बिहाफ पे आप ये बिल पास कर सकते हो, ये बदलाव ला सकते हो। तो आई फील वोटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंड वन शुड यूज़ इट एंड वन शुड गो एंड वोट। सर जैसे कि आप हर जगह जाते रहेंगे तो यू शुड नो अबाउट द हु शुड बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है मोदी जी बनने चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन? बिकॉज रिसेंटली जॉन ऑल्सो सेड ही शुड बिकम अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
Modi ji, what is your opinion? I'm no one to give an opinion. Because this is a very personal opinion, which I should keep it to myself, and I should reserve it for the voting day. And I am no one to influence anyone. I am not a political person. I'm apolitical. So I don't think I am qualified to say ki iske liye vote karo aur iske liye nahi. I think that's an individual's right, and they should use that. क्या कहेंगे सर इस अवेयरनेस रन के बारे में सर आपका कहना बचपन में मुझे याद है मैं साइकिल चला रहा था अब इस उम्र में आके रिसाइकिल की बात हो रही है जो बहुत अच्छी बात है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और हमारे लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है जो सब इसके बारे में अवेयर नहीं है सो दिस इज़ द राइट वे सही तरीका है ये लोगों को एजुकेट करने का कि कचरे को कैसे वो उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है दोबारा एंड ये लोग बहुत अच्छी मुहिम है ये एंड वी शुड ऑल सपोर्ट इट 2019 आ चुका है आपकी लोगों को सर आम इंसान बड़ा ना समझ होता है उसको डॉक्टर भी कहता है ना तो कोई दवाई देता है तो कहता है तीन बार लो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो वी हैव टू कीप ऑन नॉकिंग रिमाइंडिंग पीपल ड्रिलिंग इट इन द माइंड देखिए आज इतने सारे एड्स आ रहे हैं टीवी पर स्वच्छ भारत के बारे में तब जाके हम गिल्टी फील करने लगे कि नहीं यार ये कचरा हमें रास्ते पे नहीं कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए सो द हैमरिंग इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज हम खुद वी टेंड टू फॉरगेट हम यू नो वी टेक इट ईजी अरे कौन देख रहा है ये वो इस तरीके से सो द हैमरिंग इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट शुड बी गिवन टाइम टू टाइम हमारी जनता यही जनता जी सर आउट ऑफ इंडिया के कानून बड़े सख्त हैं फाइन्स आर वेरी हाई अगर वही चीज़ यहाँ पर लागू हो जाए तो हम यहाँ भी फॉलो करने लगेंगे और एक साइकोलॉजिकली डर होता है कि यार ये गैर मुल्क है यहाँ कुछ हो गया तो छुड़ाएगा कौन जी कानून भी सख्त होना चाहिए ऑफकोर्स होना चाहिए ऑफकोर्स फाइन शुड बी वेरी हाई ऑन दिस लोग पान खा के थूकते हैं कुछ भी इधर फेंक देते हैं वो सब बंद हो जाना चाहिए एवरीथिंग शुड बी स्टॉप्ड बट यस जरूर ये जरूर है कि देयर शुड बी प्रॉपर बाथरूम्स देयर शुड बी प्रॉपर डस्टबिन सो दैट यू नो किसी को कुछ बाथरूम जाना है कुछ फेंकना है कुछ ये करना है तो वो सही जगह उसको मिल जाए एंड स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स पे हो तो आसानी होगी लोगों को खुद का ही रिसाइकिलिंग का बिजनेस है 50 साल से कंपनी का MTC ग्रुप के नाम से और ये संस्था हमने सब ने मिलकर चालू की जैसे कि हम सब फाउंडर मेंबर ही है मैं हैं आशांत भाई है जितने धवल भाई जैन है सारे लोग हमने छिड़ी हुई है कि रिसाइकिलिंग सबसे पहले हमको अपने अपने यूज़ को हमको रिड्यूस करना है कम करना चाहिए और जो भी हमारे हम जिस भी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं उसको हम रीयूज़ करें और नहीं हो रहा है तो हम इसको बाद में रिसाइकिल करें जो देश में जितना भी कचरे का उत्पादन हो रहा है चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या सॉफ्ट वेस्ट हो उसके अंदर से भी अपना 60% रीजनरेट वाला मटेरियल है जिसको हम वापस रिसाइकिल कर सकते हैं तो जो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है अपने खुद के लिए वो एक अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है और लेकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल है धरती के अंदर वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है जो अगले 25 साल 20 साल 50 साल तक चलेंगे और ये तो संसार तो चलना है अरबों साल तक करोड़ों साल तक तो हम दूसरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे सब कुछ यहीं से धरती से निकाल लेंगे तो वो तो ना समझ की बात हुई तो ये रिसाइकिलिंग का कैंपेन वर्ल्ड ओवर रिसाइकिलिंग की जो रिसाइकिलिंग का रेट है वो 80% के अबव का रेट है इंडिया में रिसाइकिलिंग रेट इज़ हार्डली 20% 25% तो हम एक रिसाइकिलिंग पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट में हमारे कैंपेन के द्वारा हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप इसको रिसाइकिलिंग को महत्व दीजिए और कॉमन मैन को एक दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि जो भी मैं चीज़ करूँ जो भी वस्तु का उत्पादन करूँ तो उसको उस तरीके से डिज़ाइन करूँ ताकि वो वस्तु रिसाइकिल हो जाए तो उसी के माध्यम से द्वारा हम लोगों ने ये आज ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे का हमने 18 मार्च हमने UN गवर्नमेंट को हमने प्रपोज़ किया हुआ है कि रिसाइकिलिंग डे ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे मनाया जाए और उसके लिए ही हमने आज ये अवेयरनेस रन का ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम इसको कैंपेन के द्वारा हम प्रचार कर सकें कि ये आप इस आप रिसाइकिलिंग एक्टिविटी में भाग लीजिए और रिसाइकिलिंग कीजिए रिसाइकिलिंग की बात करें क्या क्या वस्तु ऐसी है जो हो सकता है या नहीं हो रही है आप कोई भी वस्तु रिसाइकिल कर सकते हैं आप जो हमने टी शर्ट पहनी है इसके लाइफ साइकिल एंड ऑफ द लाइफ जो भी उसकी लाइफ साइकिल पूरी जाएगी उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं वर्ल्ड ओवर कोई भी वस्तु का आप 90% तक कोई भी वस्तु आप रिसाइकिल कर सकते हैं कुछ वस्तु 100% रिसाइकिल होती है जैसे मैं मेटल के बिजनेस में हूँ तो मेटल इज़ 100% रिसाइकलेबल प्रोडक्ट प्लास्टिक है बॉटल है वापस उससे नई प्लास्टिक बॉटल बन जाएगी
कागज का टुकड़ा है वापस उससे किताब पुस्तकें बन जाएगी, न्यूज़पेपर प्रिंट हो जाएगा। तो हर वस्तु रिसाइकल हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग को लास्ट में जाके 2-5% हमारा हमको लैंडफिल में डालना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारा लैंडफिल में 70% लैंडफिल में जा रहा है इंडिया में। तो हम जितना भी हमारे पास में चेंबूर गुमंडी में जितना भी कचरा पड़ा हुआ है उसके अंदर से भी 30%, 40%, 60% हम जो वस्तुएं जो हम रीयूज़ कर सकते हैं वैसी वस्तुएं अंदर पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट का भी प्रयास, अभी गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि उसको हम किस तरीके से हम कचरे को अलग पहले से हम अलग डालने के लिए कहें ताकि वो इजी तरीके से हमारे हाथ में वापस आ सके और हम उसको रिसाइकिल कर सकें। सरकार तो कर रही है जैसे कि सूखा कचरा ओला कचरा अलग करिए, ये सब अलग होने से फ़ायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ये कैंपेन सरकार ने स्वच्छ भारत का कैंपेन 5 साल पहले चालू किया है, इसको अभी और अच्छे तरीके से चलने के लिए 130 करोड़ लोग हैं हम जनता। देश बहुत बड़ा देश है, छोटा देश नहीं है। कोई भी पॉलिसी को लागू करने में, इस तरीके की पॉलिसी को लागू करने में एटलीस्ट 5-10 साल चले जाएंगे। तो उसका ही प्रयास है जो हमारे एसोसिएशन जो काम कर रही है, जो एपेक्स बॉडी बनी है, जो हमारे अंडर में जितनी भी एसोसिएशन है, हम सब मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम एक अवेयरनेस कैंपेन फैला सकें, कॉमन आदमी के दिमाग में डाल सकें कि इसके अलावा आपके पास में पर्याय नहीं है। लाइफ में आगे जाके आपको 10-20 साल, 25 साल बाद में आपको रिसाइकलिंग ही होगा, उसके अलावा आपके पास में रिसोर्सेज सारे खत्म हो जाएंगे, तेल भी खत्म हो जाएगा। तो अभी जो लास्ट में पानी, तो चलो ठीक है, हम दरिया का पानी को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब नमक निकाल के हम रीयूज़ कर लेंगे, बाकी कोई वस्तु हमारे पास बचेगी नहीं, सारी वस्तु हमको रिसाइकिल करनी ही पड़ेगी। आज से हम कैंपेन चलाएंगे तो जाके 5-10 साल में एक अच्छे तरीके से हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। यूरोपियन यूनियन में हर जगह पर प्रॉपर तरीके से, चाहे जितनी भी डेवलप कंट्री है, वहाँ पर हर कचरे को अलग रखते हैं, बिकॉज वो उन्होंने प्रयास 10-15-20 साल पहले चालू किया। हमने ये प्रयास अभी 5 साल पहले चालू किया, 4 साल पहले चालू किए, उसको थोड़ा वक्त लग रहा है। वक्त इसलिए लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अभी ये हमारी जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन भी इसी के अंदर काम कर रही है ताकि हम रैग पिकर को भी एजुकेट कर सकें, छोटे से छोटे आदमी को एजुकेट करके हम ऊपर ला सकें। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जैसे संजय भाई ने बताया कि आज ब्राज़ील जैसे कंट्री में 97% ऑफ मटेरियल रिसाइकल मेटल्स में होता है, लेकिन इंडिया में आज भी हमारा परसेंटेज 30 है। हम यही कोशिश में हैं और मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन जो इंडिया का एक फेडरेशन है, वो उन्होंने BIR के साथ एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को हम लोगों ने सेलिब्रेट करने के लिए इसके लिए मनाया कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए। कल हम लोगों का मुमरा में भी बहुत बड़ा एक रैली है, जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं वो लोग रैली निकाल के लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि भाई आपको अपना वेस्ट जो है, जितना भी जो चीज़ें हैं उनको आप इस तरह से यूज़ कीजिए कि ताकि उसको रिसाइकलिंग हो जाए। और आज की तारीख में धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि दुनिया की लगभग बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो ही जाती हैं। जैसे 90% ऑफ द कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो 100% रिसाइकल हो जाते हैं। मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें जितने भी रिसाइकलर्स हैं, हमारे डायरेक्ट 730 और इनडायरेक्टली हमारे 12,000 मेंबर्स, जो सारी एसोसिएशन भी उसकी मेंबर्स है, तो वो जितना भी प्लास्टिक, रबर, पेपर, मेनली ये मेटल की संस्था थी, लेकिन अभी लास्ट ईयर 2 साल से उसको मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया और आज वो हर चीज़ जो रिसाइकलिंग के दायरे में आती है उसका एक एसोसिएशन है। और वो ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी के जरिए, आज हम लोग की अभी बस लास्ट जनवरी में भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कोची में, जहाँ से दुनिया के अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी वाले लोग आके लोगों को ये गाइड करते हैं कि इंडिया में किस तरह से डे बाय डे हम रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो आज हम उससे काफ़ी गवर्नमेंट के साथ भी बैठ के काफ़ी काम कर रहे हैं और आज इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको रिकग्नाइज़ करने लग गया है। आज नीति आयोग ने भी उसको रिसाइकलिंग पॉलिसी बनाने के लिए कंफर्म कर दिया है, तो आज हम उसके पीछे जा रहे हैं कि रिसाइकलिंग अगर पॉलिसी एक बार इंडिया में बन गई तो हमारा बहुत सारा कचरा जो है, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत दूर हो जाएगी और उसको इंडस्ट्री के अंदर वो काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे रिसाइकलिंग के लिए। प्लास्टिक बैन जो मुंबई में हुआ है, तो आपको लगता है कुछ असर हुआ है रिसाइकलिंग के द्वारा, और क्या आपको लगता है पूरी देश में प्लास्टिक बैन, उसका कोई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिसके ऊपर जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसको भी हम रिसाइकल, अगर सही तरीके से हमने उस कचरे को या प्लास्टिक को उठा लिया तो हम उसको अगेन वापस उसके दाने बनाए जा सकते हैं। धवल ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको जब CNN की न्यूज़ छपाती है कि वर्ल्ड की सबसे 30 पोल्यूटेड सिटी में 22 सिटीज़ जो हैं इंडिया में है, अपना खून खोलना चाहिए, अपनी रातों की नींद उठ जानी चाहिए,
और एक इमीडिएट एक्शन प्लान हमें बनाना है। ये छोटा सा हमारा प्रयास है, पर इसके पीछे जो स्पिरिट है, जो इंटेंशन है, वो बहुत बड़ा है। इंडिया का जो रिसाइकलिंग रेट है वो तकरीबन 20% है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 60 के ऊपर है। हम हमेशा हमारा कचरा जब देखते हैं तो उसको वेस्ट के तौर पर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, पर वो वेस्ट नहीं है, वो एक रिसोर्स है। वर्ल्ड में एक प्रथा है जिसको बोलते हैं ओवरशूटिंग डे। जब वर्ल्ड की जो सारी रिसोर्सेज हैं, जब आप उसको ख़त्म कर देते हैं साल के अंदर, तो एक ओवरशूटिंग डे बोला जाता है। पिछले साल हमने अगस्त में ही 2018 के जितने रिसोर्सेज थे हमने अगस्त में ख़त्म कर दिए उसको। तो ये जो स्ट्रेन आ रहा है वर्ल्ड के ऊपर, जो डेफिसिट आ रहा है, इसको हमने पूरा करना है। अगर US की जो कंजम्पशन लेवल है, अगर उस स्पीड के साथ हम चलते हैं, तो 3 महीने के अंदर, मतलब मार्च में, हमने सारे वर्ल्ड के रिसोर्सेज, जो 2019 के जो रिसोर्सेज मदर प्लानेट हमको या मदर अर्थ हमको देती है, वो हम मार्च में ख़त्म कर देंगे। ये सोचने वाली वस्तु है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या हम नहीं चाहते कि उनको एक अच्छी सी उनको हवा दें, उनको अच्छा रहन सहन दें? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो कल के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ज्वाइन दिस मूवमेंट। जो अपने से हो सकता है, छोटे पैमाने तो छोटे पैमाने में, पर करिए। कहीं पे भी कोई भी डिस्कार्ड वस्तु अगर देखते हैं, तो उसको तरीके से, उसको रिसाइकलेबल है, वो चाहे पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, हर चीज़ की रिसाइकलेबिलिटी है यहाँ पे, तो उसको तरीके से आप रिसाइकिल करिए। उसको अगर आप नहीं कर सकते हो, तो उसको इस डेस्टिनेशन पे पहुँचाइए जहाँ उसकी रिसाइकिलिंग हो सकती है। तो प्लीज़, ये कोई हमारा MRA का मूवमेंट नहीं है, ये सबका मूवमेंट है। जो अच्छा हवा पानी, अच्छे तौर तरीके, एक अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाह रहा है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि उसको जो है साथ में मिलकर हम चलें, और इसको जो है एक बढ़िया सी हम फ्यूचर दें हमारे आने वाली जनरेशन को।